हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बॉलीवुड में बिग बॉस के घर जाने सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें बॉलीवुड को। दोस्तों, अगर आप भी आज के नॉमिनेशन टास्क के लिए एक्साइटेड हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। साथ ही साथ दोस्तों, आप किस कंटेस्टेंट को इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए जो नॉमिनेशन टास्क हो रहा है उसमें नहीं देखना चाहते हैं, उस कंटेस्टेंट का नाम दोस्तों आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि जिससे आप चाहते हैं कि वो इस हफ्ते सेफ हो जाए। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जितने लोग हैं सभी लोग दोस्तों अपनी अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। आपको बता दो दोस्तों कि आज के एपिसोड में आपको क्या कुछ देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, आज जो है बेसिकली सभी कंटेस्टेंट की अंतरात्मा वाली परीक्षा होगी, यानी कि कौन कंटेस्टेंट किसे कितने ज़्यादा जुड़े हुए हैं और किसके लिए क्या कुछ सेक्रीफाइस कर सकते हैं वो नॉमिनेशन टास्क में आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि क्या कुछ आपको देखने को मिलेगा। उससे पहले दोस्तों, आपको बीवी अदालत देखने को मिलेगा, जहाँ पर जान कुमार सानू की जो है वो क्लास लगाते हुए फराह खान और दो जो जर्नलिस्ट आए हुए हैं वो लगाते हुए नजर आने वाले। हम देखेंगे दोस्तों कि जान कुमार सानू अपने आप को डिफेंड करने की काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन फड़ा काउंटर अटैक करते जाती है। आगे दोस्तों, आपको बता दूं, जब राहुल वैद्य आते हैं तो राहुल वैद्य पे भी काफ़ी तीखे सवालात होते हैं, घर वाले बहुत ज़्यादा उन पर इल्ज़ाम लगाते हुए नजर आएंगे। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं कि फराह खान यहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स जाके काफ़ी अच्छी तरह से सब मतलब सबको दिखाती है, एक एक पॉइंट करके समझाने की कोशिश करती है कि राहुल हर जगह सही थे। हालांकि दोस्तों, अभी तक जितने मुद्दे में राहुल कहीं ना कहीं उठे हैं तो लगभग उन कम बोले हैं, लेकिन जब भी बोले हैं लॉजिकल बोले हैं ऐसा अभी तक देखने में लगता है, और उनकी जो बातें हैं काफ़ी सटीक टू द पॉइंट होती है जो कि समझ में आती है। उन सभी चीज़ों को आज फराह खान क्लियर करते हुए नजर आएंगी, और वो चीज़ आपको आज देखने को मिलने वाला है। जसमीन के ड्रेस को लेकर के जो उन्होंने कमेंट किया था उसको भी डिफेंड करते हुए नजर आएंगी फराह खान, जो कि एक्चुअली में उस समय राइट था, क्योंकि वहाँ पे जो है फेमिनिज्म वाला बात जो हो चल मतलब स्टार्ट हो जाती है वो कहीं ना कहीं गलत है। अगर आपको कोई अच्छी सलाह दे रहा है तो आप सभी चीज़ को नेगेटिव वे में नहीं ले सकते हैं। यही चीज़ फराह खान आज आपको देखेंगे समझाते हुए नजर आने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दूं कि आज जो है नॉमिनेशन टास्क होगा जो कि सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है सभी कंटेस्टेंट के लिए, और लगभग लगभग सभी कंटेस्टेंट आपको आज के एपिसोड में इमोशनल होते हुए दिखेंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि आज जो है वो एक ऐसी इम्तिहान है सभी कंटेस्टेंट के लिए कि कौन किसे कितने हद तक जुड़े हुए हैं, यही चीज़ देखवाने के लिए और दिखाने के लिए बिग बॉस ये टास्क करवाते हैं। जहां दोस्तों, आपको बता दूं कि जब जान की बारी आती है तो जान को अगर सेफ होना है तो उनको सेक्रीफाइस करवाना पड़ेगा, जो पर्सनल ब्लैंकेट है निक्की का वो उनको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, जिसके बाद निक्की आपको काफ़ी ज़्यादा इमोशनल दिखेगी। चीज़ें छोटी लगती है डॉल या फिर कंबल, लेकिन जो चीज़ जिस चीज़ से आप जुड़ जाते हैं उस चीज़ों को सेक्रीफाइस करना वो काफ़ी बड़ी बात होती है। बाहर देख के बोलना या कुछ कह देना वो अपनी अपनी जगह है, जैसे कि रूबीना की ही वो डॉल की बात है कि जब निक्की ने उनकी डॉल को गंदा कर दिया था। देखने से वो छोटी चीज़ें लग सकती हैं कि वो सिर्फ डॉल थी, लेकिन हालांकि उनका इमोशनल अटैचमेंट था तो वो जायज़ था उनका इस बात पे, या अभिनव का रुष्ट होना उस बात को लेकर के वहाँ पे कहीं ना कहीं होता है। इसी तरह निक्की का भी यहाँ पे, क्योंकि वो लगाव होता है किसी चीज़ से, आप जुड़ जाते हैं, इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है, शहनाज गिल वाली नहीं तो वो हो जाती है, तो वो समझ में आता है कि लोग जो हैं करने से सेक्रीफाइस करने से फिर उनको थोड़ा बहुत जो है डिफ़िकल्टीज तो आती हैं और लोग इमोशनल भी हो जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, जो हमें देखने को मिलेगा वो होगा कि रूबीना दिलेक को दोस्तों अगर सेक्रीफाइस होने से बचना है तो उसके लिए उनको जसमीन वसीन को बोलना होगा कि आपको जो है अली गोनी को डायरेक्ट नॉमिनेशन में डालना होगा इस वीक। तो यहाँ पे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इमोशनल वाली फीलिंग है, और कहीं कहीं ना कहीं ये वाली जो है काफ़ी भयंकर वाली परीक्षा होने वाली है जसमीन की, क्योंकि जसमीन की अच्छी फ्रेंड है घर के अंदर रूबीना, और साथ ही साथ अली गोनी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए बिग बॉस 14 के घर के अंदर आए हुए। हालांकि अली गोनी इस बार के हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट हैं, आपको बता दूं कि उनको सबसे ज़्यादा पैसा मिल रहा है घर में रुकने का। आपको बता दोस्तों कि यहाँ पे कुछ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ही फनी लगती हैं जब घर में बोली जाती है कि कोई किसी के लिए आया है या कर रहा है, चीज़ें काफ़ी फ़नी हैं क्योंकि समझने वाले तो समझ ही रहे हैं कि क्या चल रहा है। अब आपको बता दोस्तों यहाँ पे लेकिन इमोशनल हो जाएंगी जसमीन, और जो है वो अली गोनी को सेव करने का शायद फैसला लेने ले सकती हैं, क्योंकि वो उनके लिए ही आए हुए हैं। अली गोनी को अगर बचना है तो उनको फिर रूबीना की जो एक अली गोनी को अगर बचाना है अभिनव को, तो वो उनके उनके पास एक डॉल है जो कि शायद जसमीन ने ही दिया होता है उनको,
तो वो उनको सेक्रीफाइस करनी होगी। तो दोस्तों यहाँ काफी ज्यादा डिफिकल्टीज आपको देखने को मिलने वाली है। हम आपको दोस्तों अगली वीडियो में जरूर बता देंगे जैसे ये न्यूज आएंगे हमारे पास कि कौन कौन कंटेस्टेंट नॉमिनेट हुए हैं, किस किसने किसके लिए सेक्रीफाइस क्या क्या किया है, हम आपको सारी डिटेल अगली वीडियो में दे देंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएगा। अगर आप रूबीना के फैंस हैं और काफी आज देखने के लिए एक्साइटेड है कि क्या कुछ होने वाला है तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताइए कि आप आज के एपिसोड के लिए एक्साइटेड हैं या फिर नहीं। सब्सक्राइब करना ना भूले, बॉलीवुड को देखते रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए।